हाय गाइस, बॉलीवुड टूपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले सलमान खान की अपकमिंग फिल्म इंशाल्लाह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, होली के मौके पर सलमान खान ने अपने फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। दोस्तों, ये फिल्म रिलीज होगी 2020 के ईद के मौके पर। ये खुद सलमान खान ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों, कल ट्विटर के जरिए सलमान खान ने बोला था कि 20 साल बाद संजय लीला भंसाली के साथ काम करने वाला है इंशाल्लाह फिल्म में। यानी कि ये कंफर्म हो गया था कि ये फिल्म का टाइटल इंशाल्लाह रहेगा और इस फिल्म की लीड हीरोइन रहेगी आलिया भट्ट। दोस्तों, ये भी बहुत चर्चा में रहा था दो दिन से कि आलिया भट्ट और सलमान खान की जोड़ी कैसी लगेगी, पर दोस्तों जब भी आएगी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगी। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के बारे में, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी। दोस्तों, ये कंफर्म है ये फिल्म भी ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है 2020 के। यानी ये सबसे बड़ा क्लैश हो गया, यानी सलमान खान के फैंस और अक्षय कुमार के फैंस के बीच ये सबसे बड़ा क्लैश रहेगा। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी क्लैश बोली जा रही है, क्योंकि सूर्यवंशी भी 2020 के ईद के मौके पर आ रही है और इंशाअल्लाह भी। तो देखना ये होगा, आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्म ज़्यादा कमाई कर पाएगी, इंशाअल्लाह सलमान खान की या फिर सूर्यवंशी अक्षय कुमार की। दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है, लाखों में नहीं करोड़ों में है। तो आपको क्या लगता है और आप किस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।